वेलकम वेलकम। साल शुरू होते ही हम सब साल भर का बजट बनाना शुरू कर देते हैं, और आजकल बजट में खर्चों की लिस्ट से कहीं ज्यादा टैक्सेस की लिस्ट हो गई है। आजकल कमाई वैसी है जैसे कि क्या कहते हैं, हाँ, ऊंट के मुंह में जीरा, और टैक्सेस के बाद तो वो जीरा भी नहीं बचता यार। सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, सरचार्ज टैक्स, चैरिटी टैक्स, थोड़े दिन में ये लोग बोलेंगे प्लेट टैक्स, सॉफ्ट टैक्स, टिश्यू पेपर टैक्स, बोलेंगे बाथरूम यूज टैक्स भी दो हमें। वैसे जहाँ इतने सारे टैक्स लग रहे हैं यार, कोई तो यार रणवीर सिंह पर भी टैक्स लगाओ यार। एक बंदा इतनी सारी हॉट बंदियों को टैक्स फ्री डेट कैसे कर सकता है? खैर, जहाँ हर बात पर हम टैक्स लगा रहे हैं, हमारे शो में भी आपको टैक्स लगेगा। प्यार का टैक्स, प्यार दो, प्यार लो। वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून। एक सवाल 100 जवाब फॉर्च्यून बनाओ मंत्रा के साथ। देखते हैं भाई आज मस्ती का टैक्स लेकर कौन आ रहा है हमारे बीच में। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर क्लिंस एंड फ्रेंड्स। Lovely people in the house over there, Talia. ये मतलब माशाल्लाह क्या बात है, क्या हेयर स्टाइल है, कितने सालों से बाल ना कटा तुमने? बात ये कि पैसे बहुत है यार, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। 2-3 हज़ार करोड़ है, मेरा स्पेसशिप बाहर रुक रहा है मेरे लिए। एंड या एवरी डे आई चेंज माई स्टाइल, आई चेंज माई फेस, कपड़े बदलता हूँ हर एक घंटे। भाई लेकिन ये चश्मे के पीछे हमारा अपना मुंबई का लड़का है, क्लिंस है, चश्मा उतार का चश्मा उतार। भाई बाबा पुरुषोत्तम बोर्गर है बाबा। वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून। कौन कौन आपके साथ मिलवाए? मेरे साथ है ये खूबसूरत सी बला लिंसिया जूल रोजारियो। वेलकम वेलकम टू शो। एंड ऑफ कोर्स अप नेक्स्ट इज माय मैन मार्की टीवी मार्की ऑल ओवर टीवी मैन मार्की टीवी। और हमारे साथ है अमन शर्मा, गो बिग और गो होम मैन। वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स एवरीबॉडी। भाई इनसे जवाबों की रेस लगाने के लिए आ रहे हैं उर्वशी एंड फ्रेंड्स। Urvashi, welcome to Family Fortunes. कौन कौन है आपके साथ? My name is Urvashi, और ये है अनिकेत, और ये है मेरी फ्रेंड ट्रीजा, और ये है रौनक। Hello, रौनक, welcome to Family Fortunes. All right, ladies and gentlemen, जैसे सर्दी में चाय पीने का अपना ही शरीका है, वैसे ही इस गेम खेलने का अपना ही तरीका है, और ये तरीका अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। हमने 100 लोगों से एक सवाल पूछा, और उस सर्वे से मिले सारे जवाबों में से टॉप आंसर्स चुनकर हमने अपनी बबली की प्लेलिस्ट में डाल दिए। अब वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और आपके जितने जवाब मेरी बबली की प्लेलिस्ट से मैच होते जाएंगे, आप उतने पॉइंट्स कमाते जाएंगे। तो भाई इसका मतलब कि जवाब बबली की प्लेलिस्ट से मैच करते जाओ, पॉइंट कमाते जाओ, और अगर जवाब प्लेलिस्ट में नहीं हुआ तो आपको सुनाई देगी ये आवाज। चलिए भाई पहले राउंड के पहले सवाल के लिए दोनों कैप्टन को बुलाया जाए, क्लिंस एंड उर्वशी, लेट्स प्ले फैमिली फॉर्च्यून। क्या बात है, इनसे जो सवाल पूछने वाला हूं उसके मैं ढूंढ रहा हूं टॉप 6 जवाब। जिसने पहले जवाब दिया अगर उसका जवाब टॉप जवाब हुआ तो ऑफ कोर्स गेम को आगे वो बढ़ाएगा, नहीं तो सामने वाले को मौका मिलेगा, और जिसका जवाब भी टॉप जवाब के सबसे आसपास हुआ उसे इस गेम को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। सो बेस्ट लक गाइस। ये रहा आपका सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा लड़के लड़कियों को पहली डेट पर इंप्रेस करने के लिए क्या करते हैं? उर्वशी, व्हाट्स योर आंसर? फ्लावर्स देते हैं। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। क्लिंस, आई माइट कम टू यू लेटर। उर्वशी चलिए ये गेम आप आगे बढ़ा रही हैं। बहुत खूब। अनिकेत, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। हमने 100 लोगों से पूछा लड़के लड़कियों को पहली डेट पर इंप्रेस करने के लिए क्या करते हैं? चॉकलेट्स। बबली, ट्रेसा, लड़के लड़कियों को पहली डेट पर इंप्रेस करने के लिए क्या करते हैं? बहुत तारीफ करते हैं, अगर वो झूठ भी रहेगा तो भी उसको ऐसे बनाते कि हाँ सच है। कौन है एंजेलिना जोली? अंबर खेले होली हुई मैं भीगी मोरी चोली, एंजेलिना जोली हमारी ट्रेसा के सामने सब फेल है, ऐसी बातें करते हैं। बबली की प्लेलिस्ट पर। Not there. इसका मतलब ये क्लिंस, एक और अगर इनका पंक्चर हुआ
तो मैं आपके पास आऊंगा और इनके सारे पॉइंट्स आप लूट लेना। रौनक, लड़के लड़कियों को पहली डेट पर इंप्रेस करने के लिए क्या करते हैं? पिक्चर दिखाने लेके जाते हैं। देखते हैं जब आप बबली की प्लेलिस्ट पे। क्लिंस मेरे भाई, मैंने कहा था मैं तेरे पास जरूर आऊंगा भाई। मैं सबसे पूछूंगा बट द फाइनल आंसर विल बी योर्स क्लिंस। ओके, हमने 100 लोगों से पूछा लड़के लड़कियों को पहली डेट पर इंप्रेस करने के लिए क्या करते हैं। अमन, एक बड़ी सेक्सी सी लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं। माइकल, व्हाट्स अप, बता। रेस्टोरेंट। ओके, टेडी बेयर देते हैं। क्लिंस, इनमें से कोई जवाब या अपना खुद का जवाब? लॉन्ग ड्राइव। बबली, भाई ये लड़के लड़कियां डेट पर रोज जाते होंगे लेकिन आंसर्स नहीं पता है, लेकिन बबली की प्लेलिस्ट में इतने सारे आंसर्स जो छूट गए, जो आई एम श्योर आपने जरूर गेस कर लिए थे, है ना, है ना। बस अब देखिए, सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलर जवाब पे द रेस्टोरेंट बिल। फिफ्थ मोस्ट पॉपुलर जवाब। फोर्थ मोस्ट पॉपुलर जवाब। थर्ड मोस्ट पॉपुलर जवाब शो ऑफ। एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर जवाब इज। ऑलराइट गाइस, पहले सवाल के बाद अभी उर्वशी ने 33 पॉइंट्स कमा लिए। क्लिंस की टीम ने अभी तक शुरुआत नहीं की है। अगले सवाल के लिए आई लाइक टू कॉल अपॉन अंकित एंड लिंसिया टू प्ले फैमिली फॉर्च्यून। ये दोस्तों की बॉन्डिंग आज यहाँ फैमिली फॉर्च्यून्स में इनको कितने प्राइजेस जिताएगी, ओनली टाइम कैन टेल। अरे अरे, हुल दी जा रही है, लड़की ने हुल दे दी। अगले सवाल के लिए गाइस, वी आर लुकिंग फॉर टॉप 6 आंसर्स। थैंक यू सो मच बबली, ये रहा आपका सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा शहर बदलने पर आप सबसे पहले क्या ढूंढते हैं। लिंसिया, को घर। ओके, घर। देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। अरे बाप रे, बहुत कसम। अनिकेत, आई सी यू लेटर, आई सी यू लेटर। कम लिंसिया, वेल डन, वेल डन। क्या बात, सो कूल मैन। शहर बदलने पर आप सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? मार्केट एरिया, लोकैलिटी। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। वेल डन। अमन, आपकी बारी बड़ी। लेट्स गो। 100 लोगों से पूछा शहर बदलने पर आप सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? एक अच्छा ट्रांसपोर्ट का जरिया, टू कम्यूट वेल इन द सिटी। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। ट्रांसपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ? Not there. Clint, think about it. हमने 100 लोगों से पूछा शहर बदलने पर आप सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? हॉस्पिटल लॉयर दोस्त, हॉस्पिटल। देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। वेल डन, बहुत खूब लिंसिया। यस, हमने 100 लोगों से पूछा शहर बदलने पर आप सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? स्कूल्स या कॉलेजेस। क्या स्कूल कॉलेज है बबली की प्लेलिस्ट पर? Guys, one more puncture. Architects, अपने ख्वाब बनाओ, उसको आर्किटेक्ट करो। Alright, Michael, back to you, buddy. शहर बदलने पर आप सबसे पहले वहां क्या ढूंढते हैं? Good people. देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। उर्वशी, मुझे पता था मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला आऊंगा। उर्वशी, मैं सबसे पूछूंगा लेकिन फाइनल जवाब आप ही का होगा। रौनक, आपसे स्टार्ट होगा। हमने 100 लोगों से पूछा शहर बदलने पर आप सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? नौकरी। ट्रेसा, ऑल फैसिलिटीज, सब कुछ पास में होना चाहिए। अनिकेत, रेस्टोरेंट, क्लब्स, बार्स। उर्वशी, इनमें से कोई जवाब या अपना खुद का जवाब? जॉब। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फैमिली फॉर्च्यून्स। रौनक, आपसे स्टार्ट होगा। हमने 100 लोगों से पूछा शहर बदलने पर आप सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? नौकरी। ट्रेसा, All facilities, सब कुछ पास में होना चाहिए। अनिकेत, रेस्टोरेंट, क्लब्स, बार्स। उर्वशी, इनमें से कोई जवाब या अपना खुद का जवाब? जॉब। देखते हैं बबली की प्लेलिस्ट पर। आपने सारे पॉइंट्स अपने लिए कमा लिए। क्विकली लेट्स टेक अ लुक कौन से जवाब छूट गए हैं। द सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलर जवाब इज
थर्ड मोस्ट पॉपुलर जवाब. वेरी वेल डन, वेरी वेल डन भाई. आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक के स्कोर्स पर डालते हैं. उर्वशी लंबी छलांग मार चुकी है, और क्यों ना हो, बहुत लंबी लड़की भी है. 87 पॉइंट्स पर. क्लिंस अभी तक के सर खुजा रहे हैं और वहीं कहीं उनकी उंगलियां फंस गई हैं, लेकिन ही विल बी आउट सून, आई कैन गारंटी यू दैट. क्योंकि अब जिसके पॉइंट्स डबल होंगे वो पहुंच जाएगा बिग मनी में, और बिग मनी यानी 30,000 का जैकपॉट. तो भाई जैकपॉट की बड़ी दौड़ तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है डबल मनी. तो चलिए भाई बुलाते हैं हमारे अगले दो प्लेयर्स को, ट्रेसा एंड माइकल. लेट्स प्ले डबल मनी. हेलो भाई. ओहो, इतना खतरनाक, एक दूसरे को यहाँ टशन दिया जा रहा है, लेकिन जीत उसी की होगी जो पहले बजर दबा के टॉप जवाब देगा. हमारे सवाल के हम ढूंढ रहे हैं टॉप पांच जवाब. थैंक यू बबली. हमने 100 लोगों से पूछा, खाने और पीने के अलावा आप किस कारण से कॉफी शॉप्स में बैठते हो? गो माइकल. माइकल, व्हाट्स योर आंसर? टाइम पास करने, चिल करने. लेट्स फाइंड आउट. टाइम पास बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं? ऐसा आपका जवाब अगर सेकंड हुआ या टॉप जवाब हुआ इस राउंड को आप आगे बढ़ाएंगे. सो थिंक अबाउट इट एंड टेल मी, लोग जनरली कॉफी शॉप्स में खाने पीने के अलावा क्यों जाते हैं उधर? कॉफी का स्मेल लेने के. लेट्स फाइंड आउट. ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे. चल, आई विल सी यू लेटर माइकल, इट्स योर गेम. एवरीबॉडी ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स. अमन, कॉफी शॉप में खाने पीने के अलावा लोग किस कारण से जाते हैं? आई थिंक मीटिंग करने के लिए जाते हैं. मीटिंग्स बबली की प्लेलिस्ट पर. अमन से आगे बढ़ के हम पहुंच रहे हैं क्लिंस के पास. क्लिंस, 5 seconds for you to go. फ्री वाईफाई. फ्री वाईफाई बबली की प्लेलिस्ट पर. By the way, Clince, you got a spot prize, 9,000 ka gift hamper. Congratulations. Bhai, aap log sab dekh sakte hai na, wahan pe points ho rahe hain double, 68. Still behind Urvashi. Lincia, khane peene ke alawa aur kya karan ho sakta hai? Dating. Dating, bubbly ki playlist par. एक भी पंक्चर नहीं हुआ है. ये गेम आपके हाथों से फिसलता जा रहा है. माइकल, मी थिंक अबाउट इट. 5 seconds. ACs. लेट्स फाइंड आउट दिस आंसर ऑन बबली प्लेलिस्ट. अमन, योर आंसर बड़ी. 5 seconds, गो. वॉशरूम जाने के लिए. बबली, यानी कि आपको अब एक जवाब के बारे में सोचना है उर्वशी. अगर वो जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे हुआ, इनके सारे पॉइंट्स आपके. डिस्कस. क्लिंच दिस मैन. वन मोर आंसर. पीने और खाने के अलावा आप किस कारण से कॉफी शॉप में जाते हैं? फोटोज खींचने, सेल्फीज खींचने. बबली की प्लेलिस्ट पे सेल्फीज, फोटोज, नहीं तो मैं चला उधर. तुम्हें पता था है कि नहीं? तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा. रौनक, आपसे शुरू करेंगे. रौनक, व्हाट्स योर आंसर? स्टूडेंट्स हमेशा पढ़ने के लिए जाते हैं. ट्रेसा, ट्रीट देने के लिए. अनिकेत, स्मोकिंग. स्मोकिंग करने कॉफी शॉप के अंदर जाते हैं. आउटसाइड एरिया में रहता है. उर्वशी, इनमें से कोई जवाब खुदा ना खास्ता या फिर अपना खुद का कोई जवाब? स्टडी करने के लिए रीड अ बुक ऐसे. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फैमिली फॉर्च्यून्स. रौनक, आपसे शुरू करेंगे. रौनक, व्हाट्स योर आंसर? स्टूडेंट्स हमेशा पढ़ने के लिए जाते हैं. ट्रेसा, ट्रीट देने के लिए. अनिकेत, स्मोकिंग. स्मोकिंग करने कॉफी शॉप के अंदर जाते हैं. आउटसाइड एरिया में रहता है. उर्वशी, इनमें से कोई जवाब खुदा ना खास्ता या फिर अपना खुद का कोई जवाब? स्टडी करने के लिए रीड अ बुक ऐसे. अगर ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे हुआ तो इसका मतलब है कि सारे पॉइंट्स उर्वशी के और बिग मनी में बढ़ेगी ये टीम. Looking for this answer on Bubbly's playlist. Yeah.
क्लिंस ने सारे जवाब दिए और आपने उनसे सब कुछ छीन लिया है. 207 पॉइंट्स, यू आर गोइंग फॉर बिग मनी. एंड क्लिंस, यहाँ पर तो आपने कोई पॉइंट्स नहीं कमाए, बट आपने एक फ्री वाईफाई जवाब दे के एक स्पॉट प्राइज जीता था, 9000 का स्पॉट प्राइज और मेरी तरफ से शैम्पू का एक पैकेट फ्री. Well done, guys. All right, Urvashi, big money में मुझे आप में से किसी दो खिलाड़ी की जरूरत पड़ेगी. बताइए, who's it gonna be? मेरे दोनों dashing boys, Aniket और Ronak. Wonderful. Let's play big money, boys. Come on in, join me here. Big money, यानी कि 30,000 का jackpot जीतने का मौका, लेकिन उसके लिए लगाना पड़ेगा चौके पे चौका, क्योंकि jackpot के लिए चाहिए double centuries. अगर इन दोनों ने मिलकर 200 पॉइंट कमा लिए तो ये जीत जाएंगे jackpot. तो बताइए भाई, जैकपॉट के लिए सबसे पहले कौन जाएगा? I think I'll go first. अनिकेत जा रहे हैं भाई, अनिकेत जा रहे हैं भाई. बचपन में पीपल के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल की कहानी सुनी थी? वो बाहर वाले पीपल के पेड़ पर चेक करके आओ, तब तक के मैं इसके साथ खेलता हूँ डब. ठीक है, गो फॉर इट, गो फॉर इट. ऐसे भेज दिया उसको क्वाइट रूम में ताकि वो सुन ना ले. ऐसे बाहर कोई पीपल का पेड़ नहीं है. अनिकेत, लेट्स प्ले बिग मनी. अनिकेत, 25 सेकंड का टाइम है. 25 सेकंड में मैं आपसे पांच सवाल पूछूंगा. अगर किसी भी सवाल को आप समझ नहीं पाते तो आप स्किप कर सकते हैं. यू कैन से पास, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट. लेकिन अंत में अगर समय बचेगा तो मैं दोबारा आपसे वो सवाल पूछने के लिए आऊंगा और आपका समय शुरू होगा मेरे पहले सवाल के समाप्त होने पर. बेस्ट ऑफ लक अनिकेत, ये रहे आपके सवाल. बॉलीवुड के एक एक्टर एक्ट्रेस का नाम बताइए जो सिंगर भी है. पास. कौन से प्रोफेशन में आपको फोन पर ज्यादा बात करनी पड़ती है? कॉल सेंटर. एक चीज बताइए जो खाने में कड़क या क्रिस्प होती है. पास. घर पे फर्श पर आपको क्या पड़ा मिलेगा? कचरा. अपनी हॉबी के लिए लोग क्या क्या कलेक्ट करते हैं? अनिकेत, स्टिल वेल प्लेड. हाफ सेंचुरी भी बनी कि नहीं, आइए मालूम करते हैं. कमें भाई, सबसे पहला सवाल था बॉलीवुड के एक एक्टर एक्ट्रेस का नाम बताइए जो सिंगर भी है. यू डिडंट गिव एन आंसर, दैट मींस अंडा. कौन से प्रोफेशन में आपको फोन पर ज्यादा बात करनी पड़ती है? आपने कहा कॉल सेंटर. हमारे सर्वे ने कहा एक चीज बताइए जो खाने में कड़क या क्रिस्प होती है. आपने बहुत समय लिया और उसके बाद कुछ नहीं बोला. तो फिर कुछ नहीं बोला इसका मतलब जीरो. घर के फर्श पर आपको क्या पड़ा मिलेगा? आपने कहा कचरा. हमारी सर्वे ने कहा और आखिरी सवाल तक आप पहुंचे ही नहीं. मैंने आपसे पूछा था आप अपनी हॉबी के लिए लोग क्या क्या कलेक्ट करते हैं. आपने जो कुछ कहा वो बबली के बजर के नीचे दब गया, मुझे सुनाई तक नहीं दिया, इसलिए वहां पर भी जीरो. 155 पॉइंट्स फॉर द जैकपॉट. कब रौनक, आओ जरा रौनक फैलाओ इधर, आइए रौनक. रौनक, लेट्स प्ले बिग मनी, बिकॉज आपके मित्र अनिकेत ने केवल 45 पॉइंट्स कमाए. ओनली 155 पॉइंट्स कमाने हैं आपको. मैं आपको 5 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा इसलिए क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा जवाब दिया जो अनिकेत दे चुका है तो आपको सुनाई देगी ये आवाज. इसका मतलब आपको अपना जवाब बदलना है. ऑलराइट, आपका समय शुरू होगा मेरे पहले सवाल के समाप्त होने के बाद. बेस्ट ऑफ लक रौनक, ये रहे आपके सवाल. बॉलीवुड के एक एक्टर एक्ट्रेस का नाम बताइए जो सिंगर भी है. अमिताभ बच्चन. कौन से प्रोफेशन में आपको फोन पर ज्यादा बात करनी पड़ती है? पुलिसमैन. एक चीज बताइए जो खाने में कड़क या क्रिस्प होती है? पापड़. घर के फर्श पर आपको क्या पड़ा मिलेगा? कीटाणु. अपनी हॉबी के लिए लोग क्या क्या कलेक्ट करते हैं? स्टैम्प्स. आइए रौनक, लेट्स फाइंड आउट आपने क्या गुलगुलाए. रौनक ये देखो, यानी कि इतने जो दो जवाब आपने कम से कम 5 दिए, देखते हैं क्या हो सकता है. पहले हमने बोला बॉलीवुड के एक एक्टर एक्ट्रेस का नाम बताइए जो सिंगर भी है. आपने कहा भाई अमिताभ बच्चन. हमारी सर्वे ने कहा बाय द वे द टॉप आंसर इज फरहान अख्तर.
कौन से प्रोफेशन में आपको फोन पर ज्यादा बात करनी पड़ती है? आपने कहा पुलिस, हमारी सर्वे ने कहा। कॉल सेंटर बाय द वे वाज द टॉप आंसर। एक चीज बताइए, जो खाने में कड़क या क्रिस्प होती है, आपने एकदम मेरा फेवरेट वाला डिश का बात करी, यानी कि पापड़। हमारा सर्वे ने क्या कहा? तूने टॉप आंसर दिया नहीं। घर के फर्श पर आपको क्या पड़ा मिलेगा? आपने कहा जर्म्स, कीटाणु। हमारी सर्वे ने कहा डस्ट और डर्ट जो है, ये वाज द टॉप आंसर। ओ हो, एक सवाल, 116 पॉइंट्स। हमने पूछा अपनी हॉबी के लिए लोग क्या क्या कलेक्ट करते हैं, आपने कहा स्टैंप्स। हमारी सर्वे ने कहा सिक्के, वाज द टॉप आंसर। वेल प्लेड गाइस, कम जॉइन मी हियर। अरे ऐसे दुखी मत हो ऋषि, तुमने जो कुछ किया अच्छा किया, और जितने पॉइंट्स आपने कमाए उसके अनुसार आप अब तक जीत चुके हैं 21,250 के प्राइजेस। वेरी वेल डन भाई। ठंड बिना जैन कहाँ रे, ब्लैंकेट बिना रैन कहाँ रे। मैं जा रहा हूँ अपने ब्लैंकेट में स्नगल करने के लिए, सर्दी का मजा लेने, पर आपके मजे के लिए मैं फिर आऊंगा लेकर फैमिली फॉर्च्यून्स।